गरबा आयोजन में गैर हिंदू एवं मुस्लिम के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यूएसपी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कंट्रोल रूम में सौंपा ज्ञापन। बढ़ते लव जिहाद के मामले को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गरबा आयोजन का दौरान और उसके बाद दूसरे धर्म के लोगों द्वारा लड़कियों के शोषण किया जाता है एवं जिसकी शिकायत आती है। लव जिहाद के तरीके अलग अलग, लेकिन उद्देश्य एक है कि केवल महिलाओं को फंसाना। हिंदू त्यौहारों और अन्य सांस्कृतिक त्यौहारों को आयोजन, जैसे नवरात्र, गरबा, डांडिया खेलना हो या सामूहिक व्रत या आरतियां करना हो आदि, इसमें बहुत आसानी से उन हिंदू पंडालों में दूसरे धर्म की उपस्थित होने लगी है। जैसे गरबा डांडिया का आयोजन होगा तो बहुत से मुसलमान युवा हिंदू नाम रखकर उसमें भाग लेते हैं एवं हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करते हैं। कितनी ही बड़ी सोसाइटी वाले गरबा का आयोजन करवाते हैं जिसमें हिंदू अपनी बेटियों को गरबा क्लास में भेजते हैं। अब तो मुसलमान लड़के रीवा संभाग के जिलों या बड़े नगरों में गरबा सीखने वाले काम में घुसने लगे हैं। इसके अलावा ये मुस्लिम नाम बदलकर डांस क्लासें भी खोलते हैं जिसमें हिंदू अपनी लड़कियों को भेजते हैं, जिससे लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुस्लिम युवक गरबा और इससे संबंधित कार्यक्रमों में हिंदू बनकर घुस जाते हैं और उनकी पहचान हिंदू युवतियों के जाल में फंसने पर की जाती है। यही नहीं, इसके साथ यही वजह है कि इस आयोजन में दूसरे धर्म के लोगों को, खासकर मुस्लिम युवकों को दूर रखा जाए। इसलिए शासन सभी गरबा समितियों को आदेश करे कि वो मुस्लिमों का प्रवेश प्रबंधित कर दे एवं इसमें भाग लेने वाले युवकों की पहचान पत्र की जाँच करे ताकि उसमें मुस्लिम युवक प्रवेश ना कर सकें। लव जिहाद को लेकर सतर्कता जरूरी है। बजरंग दल सभी गरबा समितियों का सहयोग करेगा एवं प्रयास रहेगा कि प्रवेश द्वारा पर पहचान पत्र की जांच करें, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए एवं प्रशासन का सहयोग हो। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि जितनी भी गरबा समितियाँ हैं जो गरबा का आयोजन कराती हैं नगर में और जिले में, तो प्रायः देखा गया है कि गरबा होने के बाद लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हमने उनको ज्ञापन दिया है और उनसे आश्वासन लिया है कि जितनी भी गरबा समितियां हैं उनमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश निषेध करें, खास तौर पर मुस्लिम लोगों का, क्योंकि मुस्लिम लड़के प्रायः नाम बदल कर आते हैं, हिंदू नाम रख कर आते हैं, गरबा में उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उनके संपर्क में आते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उनको लेकर भाग जाते हैं। बाद में इसमें लव जिहाद की घटनाएं आती हैं, उनसे शादी करते हैं झांसा देकर और उनको छोड़ देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो जब भी गरबा समाप्त होता है या गरबा के दौरान ही कई बार हिंदू परिवारों से लोग हम लोग के पास में आते हैं, बजरंग दल के पास में, और आके अपनी शिकायत करते हैं कि हमारी लड़की ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में भाग गई है, उसने बहला फुसला के भगा ले गया है, प्रताड़ित कर रहा है। तो ऐसी घटनाएँ ना हो इसके लिए हमने उनसे आश्वासन लिया है और उन्होंने आश्वासित किया है कि वो जो भी गरबा समितियां हैं उनको आदेशित करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो तो गैर हिंदू मुस्लिम गैर हिंदू कोई भी वहां पर प्रवेश ना करे। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला मंत्री मनीष मिश्रा। आज जो ज्ञापन दिया गया है उसमें मूल विषय यह है कि गरबा जैसे जो हमारे कार्यक्रम हैं, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें किसी प्रकार का विधान करने वाले कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार प्रवेश ना करें, उस हेतु उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। और उनसे चर्चा के पश्चात हमने ये भी बताया है कि हम लोग आयोजकों से बात करेंगे, जो भी संबंधित थाना क्षेत्र में आयोजक हैं उनको ये मैसेज किया जाएगा कि आप लोग भी इसे ध्यान रखें कि हमारे इन कार्यक्रमों में किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का प्रवेश ना हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे सम्पन्न हो, किसी प्रकार का विधान उत्पन्न ना हो। क्या